दो साल भी नहीं हुआ ना, तो एक काम करो ना भाई, 20% बढ़ा के कर दो ना। 100% बढ़ाना, आप 100% बढ़ा रहे हो। अरे पैसा जितना आते जा रहे लेते जाओ भाई खाते में, और ये 25% बढ़ा के खत्म कर लो, सेटलमेंट कर लो। इनकी भी नौकरी चली जाएगी, सीबीआई ईडी सब आ जाएगा इनके साथ, वहां तक तो दे आर राइट। अभी हम भी बैंक से लोन लिए, हमको भी मालूम है कि हर महीने किस्त पटानी है, नहीं तो कल ये हमारे पर तलवार लेकर खड़े हो जाएंगे। हमारा नहीं है ना, आपका है, पब्लिक फंड का पैसा है, एंड इट हैज टू गो टू द पब्लिक ओनली। फिर हम ही लोग इनको जमानत भी नहीं देंगे, आई टेल यू, जमानत भी नहीं देंगे इनकी। फिर निकल पा रहे हैं? यस क्या हुआ? दैट लोन मैटर माय लॉर्ड, यस यस माय ओआईसी इज आल्सो प्रेजेंट टुडे। यस, व्हाट इज द डेवलपमेंट इन द मैटर? कल दे हैव फाइल माय पावर ऑन बिहाफ ऑफ एस्पिरेंट नंबर 3 to 9 हाँ पर्सन इज आल्सो प्रेजेंट। क्या हुआ? हमने आपने हमारा कहा था कि जा करके बात करोगे, हाँ हाँ बताइए। माइक में बोलिए। माय लॉर्ड्स, वी हैव कॉल्ड देम यस्टरडे, हाँ देन दे केम बट दे हैव नॉट कंक्लूडेड और दे हैव गिवन एनी प्रपोजल। व्हाट इज योर इंसिस्टेंस मिस्टर कॉल? आई हैव सेड देम कि टू सेटल माय अकाउंट ऑन ओटीएस और अदर दे कैन आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑन बिट नॉट, बट दे आर आस्किंग फॉर 1.4 सीआर, सो इट्स गेटिंग मोर देन डबल ऑन द ओटीएस। माय लॉर्ड्स, दे आर आस्किंग सेटलमेंट व्हिच हैज बीन गिवन 2 years बिफोर। 2 years यस सर, सर दैट वाज गिवन देम इन फेब 2023। अभी 2 साल भी नहीं हुआ ना, तो एक काम करो ना भाई, 20% बढ़ा के कर दो ना। 100% बढ़ाना, आप 100% बढ़ा रहे हो, ये चाहते हैं कि कुछ उसी रेट पे हो जाए, तो आप 25% बढ़ा के खत्म कर दो, हो जाएगा, चीजें सेटल हो जाएगी। अपने अमाउंट कोट करो ना आप, हाउ मच अमाउंट यू हैव कोटेड 16 ऑफ द बैलेंस अमाउंट टू बी पेड टू बैंक। बैंक ना, तो 20% अगर एक्स्ट्रा लेते तो आपको कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्शन आता है क्या? नहीं, इनका और जो मूलधन का जो बकाया है, मैंने आपको हाँ क्लियर हाँ किया था, इनका जो मूलधन का जो बकाया है रखे। हाँ अरे पैसा जितना आते जा रहे लेते जाओ भाई खाते में, और ये 25% बढ़ा के खत्म कर लो, सेटलमेंट कर लो। 95 लाख करीब तो मूलधन बाकी है मूलधन है? अच्छा मूलधन आपको मालूम है 95 लाख है? सर। नहीं, वो ओटीएस देखिए, अब ओटीएस का बेनिफिट इनको आपको नहीं मिलेगा। ओटीएस होता है वन टाइम सेटलमेंट, ठीक है? वन टाइम मीन्स ओनली वन टाइम इन लाइफ, है ना? तो वो तो हो नहीं सकता ये बात, क्योंकि ये कल के रोज ऑडिट में ये फंस जाएंगे, इनकी भी नौकरी चली जाएगी, सीबीआई ईडी सब आ जाएगा इनके साथ, वहां तक तो दे आर राइट। ऑफिशियल हमने सर, हाँ बट एक रिजनेबिलिटी के साथ प्रपोजल आप लेके आते हैं, और 95 ओरिजिनल है, 95 95 है ना मूल अमाउंट? कोर्ट इज ऑर्डरिंग ऑन 20% सो वी नहीं, नो नो नो, मूल मूल है कितना है, मूल 95 होना चाहिए। और उसके बाद आपके हिसाब से 2 करोड़ होता है, सवा दो करोड़ सवा रुपये दो करोड़ दो करोड़ आपके हिसाब से कितना रिजनेबल होना चाहिए? मूल तो लियो पैसा भाई। अभी हम भी बैंक से लोन लिए, हमको भी मालूम है कि हर महीने किस्त पटानी है, नहीं तो कल ये हमारे पर तलवार लेकर खड़े हो जाएंगे, एंड दैट इज देयर राइट। ये पैसा हमारा नहीं है ना, आपका है, पब्लिक फंड का पैसा है, एंड इट हैज टू गो टू द पब्लिक ओनली। सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट, वी आर ऑफरिंग 70 लाख रुपीज। नहीं ऐसा बार्गेनिंग नहीं होगी भाई, आप ये प्रिंसिपल अमाउंट से कैसे सेटलमेंट करेंगे कब में, आप ये चीज को समझो। सर पहले भी वो है ओटीएस में, ओटीएस की स्कीम का बेनिफिट नहीं होगा, ये तो हम इंटरवीन कर रहे हैं, द कोर्ट इज इंटरवीनिंग, अदरवाइज देयर इज नो डिफिकल्टी फॉर दिस कोर्ट टू अलाउ द एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग टू गो ऑन। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी दैट द इशू कैन बी रिजॉल्व, एंड आपकी भी जो है इंटीग्रिटी पब्लिक डोमेन में बनी रहे। वी डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल दी स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑल्सो, दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इशू बिटवीन, एंड आई वी आर इंटरवीनिंग दी मैटर विच इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंटेंप्ट प्रोसीडिंग, आई टेल यू। बट सिंस दी वी हैव अ थॉट प्रोसेस की चलिए अगर रिजॉल्व हो सकता है तो लेट इट बी रिजॉल्व, देर इज नो डिफिकल्टी फॉर दिस कोर्ट टू डू ऑल दिस एक्सरसाइज। सो मेक अ पॉजिटिव प्रपोजल विद अ सी दैट दे शुड ऑल्सो नॉट बी पुट इन अ हॉट सूप, अदरवाइज कल के रोज इनका ऑडिट हो जाएगा, ये सब चले जाएंगे अंदर, फिर हम ही लोग इनको जमानत भी नहीं देंगे, आई टेल यू, जमानत भी नहीं देंगे इनकी। फिर ऐसा नहीं करेंगे हम काम, तो 10 लाख उस समय डिपॉजिट भी क्रिएट हो गया तो 10 लाख को माइनस करेंगे ना भाई। सर, जो डिपॉजिट किए थे वो किस मद में गया अरे है? ठीक है, 10 लाख को एडजस्ट करके देख लेना ना, आप अपने अकाउंट को चेक कर लो। अच्छा एक काम कीजिए, आप दोनों के हिसाब से एज ऑन टुडे कितनी लाइबिलिटी एक्चुअल बनती है, और ये कितना आगे बढ़ते हैं,
हम इसके लिए आप लोगों को 10 दिन का और समय दे देते हैं। 10 दिन में आप दोनों बैठ के सेटल करके बताइए कि कितने टाइम में ये इश्यूज रिजॉल्व हो सकता है, और आपका प्रपोजल होगा तो चेक अमाउंट यही जमा करवाएंगे कोर्ट में, ये डिमांड आप यही दीजिएगा। अगर आप ये 95 से कम में तो होगा नहीं, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट से कम नहीं होगा, 10 लाख आप माइनस भी करते हो तो 85 लाख से। अब मैं मान नहीं चलते कि इसी पेटे उन्होंने दिया होगा, ठीक है भाई, इनका भी तो 10 लाख दिया हुआ है ना, वो भी आप वो जो 10 लाख है हाँ, उसको एडजस्ट करने के बाद 95 है तो जो हमने जो यस 95 इज द प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट पे ये ब्याज कितना छोड़ते हैं या आप इनको 95 तो बेसिक पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब ये 1 करोड़ 2 करोड़ तो नहीं होगा, एक रीजनेबिलिटी के साथ आप बात कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप 25% एक्सेस में करते तो आई थिंक दैट शुड बी रीजनेबल टू ऑल पीपल। आप भी अपना प्रिंसिपल से 25% पा लेंगे, आपकी अगर बैंक तो प्राइवेट बैंक है, ये तो IIFL है ना, IIFL प्राइवेट बैंक है। अगर आपके डायरेक्टर से गेट इट अप्रूवल, वट एवर देयर प्रपोजल इज देयर, गेट इट अप्रूवल फ्रॉम योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन ओनली गो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट, अदरवाइज यू विल बी इन हॉट सूप। हाँ, आपकी नौकरी चली जाएगी। अब थोड़ा देख के, पैसे का मामला है। ऑल राइट, विल लीज दिस मैटर ऑन 4th नवंबर 8 कर दो। चलो 8 नवंबर कर देते हैं, 9 तो छुट्टी है ना, 8 नवंबर यस 8 को कर देते हैं। लिखा इन पर्सन ऑफ डायरेक्शन, आपको क्या नाम है? राम प्रसाद शर्मा। यू आर वर्किंग एज हेड लीगल रिकवरी HFL बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, एंड यूर मिस्टर राजेश आहूजा, दी रिस्पोंडेंट हैज अपीयर्ड एंड मिस्टर अलॉन्ग विद मिस्टर केसरवानी हु हैज फाइल्ड देयर वकालत नंबर 2 डेट्स एंड यू आर अपीयरिंग फॉर RSO नंबर 329। दी पार्टीज आर इन प्रोसेस ऑफ सेटलिंग द इशू, देयरफॉर लीज दिस केस ऑन 8 नवंबर ऑन दैट डे दी एप्लीकेंट दी बैंक दी मैनेजर दी रिस्पोंड ऑफिसर फ्रॉम दी बैंक एज वेल एज borrower shall appear before this court and will inform the court what step they have taken in the main to resolve the issue between them. Yes, on the last date my lord was pleased to observe ki fresh matter rahega. Yes, in the fresh matter, all right.